नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केलकर है। मैं पिछला जो वीडियो था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, वो आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ, मतलब अलग अलग प्रकार के ओसीडी क्या होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, और आज भी वो कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगला जो ओसीडी का प्रकार है वो है फियर ओसीडी। फियर ओसीडी मतलब छोटी छोटी बातों पे पेशेंट को डर लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मैं किसी को मार डालूंगा, या मुझे कुछ हो जाएगा, मैं किसी को हर्ट कर दूंगा, या मेरे हाथ में अगर बच्चा हो तो उसे लगता है कि मैं बच्चा फेंक दूंगा, या मैं मेरी बीवी को मार डालूंगा, या भगवान की मूर्ति को उड़ा दूंगा। हाल ही में एक पेशेंट हमारे आया था जो बोल रहा था कि मैं एक कुराड़, मतलब एक्स लूंगा, और वो एक्स से मेरी बीवी को और मेरी मम्मी को मैं मार डालूंगा। ऐसा कंटिन्यू विचार वो पेशेंट को आ रहा था। कितना भी वो विचार कम करने की कोशिश किया, फिर भी वो विचार बढ़ ही रहा था। इसको बोलते हैं फियर ओसीडी। अगला ओसीडी है रिलीजियस ओसीडी। रिलीजियस मतलब भगवान के लिए जो ओसीडी होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर टट्टी कर रहा हूँ। कितना भी उनको लगा, फिर भी वो विचार रोक नहीं पाते। बहुत सारे कम्युनिटीज़ में ऐसा देखा गया है कि उनको लगता है कि मैं भगवान के साथ सेक्सुअल संबंध प्रस्थापित कर रहा हूँ। ये जो रिलीजियस लेवल का ओसीडी है, बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही कॉमनली दिखता है हमको। अगला ओसीडी है रिचुअलिस्टिक ओसीडी। मतलब बार बार रिचुअल्स करना। जैसे मैं 10 बार रंगोली निकालूंगा, या 15 बार आगे पीछे करूंगा, या 20 बार प्रेयर करूंगा भगवान की, या भगवान के सामने से जाऊंगा तो 10 बार भगवान को पैर लगूंगा। इसको बोलते हैं रिचुअलिस्टिक ओसीडी। बहुत लोगों को सिमेट्री ओसीडी रहती है। सिमेट्री मतलब मेरी बुक्स ऐसे ही चाहिए, मेरा पेन ऐसे ही चाहिए, मेरा टेबल ऐसे ही चाहिए, और एक्सेसिव क्लीनलीनेस, एक्सेसिव सिमेट्रिकल ओसीडी उनको रहता है। अगला ओसीडी है बेडिंग या क्लीनलीनेस ओसीडी। ये लोग बार बार टॉयलेट जाते हैं, बार बार टॉयलेट धोते हैं, बार बार नहाते हैं, बार बार ब्रश करते हैं। इसको बोलते हैं क्लीनलीनेस या हाइजीन ओसीडी। अगला ओसीडी है मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग मतलब वो ऐसे कुछ क्रिएट करते हैं मैजिकल, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। उनको लगता है कि मैं अगर 10 बार भगवान की प्रार्थना करूंगा तो मेरे रिलेटिव्स को कुछ होगा नहीं, अगर मैं 10 बार आगे पीछे करूंगा तो मेरे रिलेटिव्स बच जाएंगे। इसको बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। अगला है सोमैटिक या एनाटॉमी ओसीडी। पेशेंट को लगता है कि मेरी आंखें बढ़ गई है, मेरा ध्यान नाक के तरफ है, लोगों का ध्यान मेरे चेहरे के तरफ है, मेरा कंधा आगे पीछे हो गया है, मेरे दांत आगे पीछे हो गए हैं, मेरे गाल खराब हो गए हैं, मेरे ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुए। ऐसे अलग अलग प्रकार के ओसीडीज हमें दिखाई पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे बॉडी पे है। बहुत लोग ओसीडी के जो स्किन है वो खराब हो जाती है, अलग अलग प्रकार के डिजीजेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं ओसीडी के, जो दिन दिन नहाते नहीं है, या बार बार नहाने के कारण उनका हाथ खराब हो जाता है, उनका मैरिज डिस्टर्ब हो जाता है, उनका सोशल फंक्शनल वर्क लाइफ पूरा कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बीवी छोड़ के चले जाती है, पति छोड़ के चले जाता है। बहुत सारे लोगों को सीवियर डिप्रेशन या सीवियर सुसाइड अटेम्प्ट भी करने में मजबूरी होती है। बहुत सारे ओसीडी को हमने देखा है कि सुसाइडल आइडियाज आते हैं कंटिन्यूसली। इसलिए ट्रीटमेंट लेना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत ही जरूरी है। ओसीडी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग बीमारी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और उनके रिलेटिव्स बोलते हैं कि ये इतना टाइम वेस्ट करता है ओसीडी के कारण कि दिन में 6 से 8 घंटे ये ब्रश करते रहता है, टॉयलेट धोते रहता है, बार बार नहाते रहता है। उसको कितनी बार भी बोला कि एक बार हो गया, अभी बाहर आ जा, फिर भी वो बाहर आता नहीं। तो इतना टाइम कंज्यूमिंग ओसीडी बीमारी है। क्या ये बीमारी अच्छी हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली ये बीमारी अच्छी हो सकती है। बहुत सारे हमारे पास आजकल मेडिसिन है, SSRIs, फ्लोक्सिटीन, फ्लोक्सामीन, पैरोक्सिटीन, क्लोमिप्रामीन, ऐसे बहुत सारी हमारे पास दवाइयां हैं जिससे ओसीडी जो बीमारी है वो पूरी तरह अच्छी हो सकती है। अगला इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो काउंसिलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सम्मोहन मतलब हिप्नोसिस। सम्मोहन द्वारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हम पूरा क्लियर या ब्रेन वॉश कर सकते हैं, और उन्हें अच्छे अच्छे सजेशंस दे सकते हैं जिससे पेशेंट ये बीमारी से बाहर आ सकता है। अगली थेरेपी है रिलैक्सेशन या ब्रीदिंग थेरेपी।
जब भी आपको विचार आता है तो लंबी लंबी सांस लेकर रिलैक्सेशन करके ये बीमारी अच्छी तरह से दूर हो सकती है। अगला जो ट्रीटमेंट है वो थॉट ब्लॉक या थॉट स्टॉपिंग। थॉट स्टॉपिंग मतलब कंप्लीटली हम ये थॉट को स्टॉप कर सकते हैं और ये बीमारी से अच्छा हो सकते हैं। अगली थेरेपी है एवर्जन, मतलब खुद को पनिशमेंट देना, खुद को बार बार ये बताना कि ये बीमारी सही नहीं है और खुद को पनिशमेंट देना। ऐसे अलग 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 प्रकार के इसमें ट्रीटमेंट है। और एक ट्रीटमेंट है माइंडफुलनेस, मतलब खुद को जस्ट ऑब्जर्व करना, खुद की बीमारी को जस्ट रिलैक्स होकर फील करना। अगली इंपॉर्टेंट थेरेपी है फैमिली थेरेपी। जितना रिस्पॉन्सिबल पेशेंट है ओसीडी में उतना ही रिस्पॉन्सिबल उसकी फैमिली भी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब पेशेंट को ओसीडी होता है तो नोइंगली अननोइंगली उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करती रहती है बीमारी होने में। इसलिए फैमिली थेरेपी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम हमारी लेमैन टर्म्स में बोलते हैं शॉक ट्रीटमेंट। जो बहुत रेसिस्टेंट ओसीडी है उसे हम ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं और पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। लगभग 90% ओसीडी के पेशेंट्स हमारे यहाँ ठीक हुए हैं और उनकी कंटिन्यूस ट्रीटमेंट हो रहा है। जो पेशेंट आके हमें बोलते हैं कि आपके कारण ट्रीटमेंट अच्छी हुई और हम अच्छे हो गए। तो इसलिए अगर आपके परिवार में आपके आजू बाजू किसी को ओसीडी बीमारी है तो हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगले वीडियोज़ लेके आऊँगा। धन्यवाद।